दो नमस्कार मैं मनोज कुमार शर्मा लेकिन बोलने से पहले कुछ शब्द यहां आपके पेश नजीर करना चाहूंगा इतिहास में लिखा जाएगा और आज का वक्त इसका गवाह रहेगा भारत देश इस दाग को हजारों साल उठाएगा जब, जब भारत चेताव और, और, और मौतों से सिसक रहा था।, था तब एक, एक पीएम अपनी जीत के खाते सेंट्रल बिस्टर की आधुनिक संसद का निर्माण करा रहा था मुर्दों को कमी पड़ गई थी लकड़ियों शमशानों को कमी पड़ गई थी की, लाइन में, में तो नोटबंदी तो में भी, भी लगते में देखा, देखा, देखा था, था।, था। हजूर हजूर आला आपने तो शमशान में भी लगा दी, और इसके ऊपर तो आपका वो गोदी मीडिया निकला जिसने बेशर्म बहसें आपके एग्जिट पोल और चुनाव पर चला दी जिस चुनाव आयोग को गिरफ्तार करने का आदेश और फांसी देने का आदेश इलेक्शन कमीशन ने दिया वो आज नचनिया नाच रहे हैं आंगन में सरकार के तवायब बन करके घुंघरू बांध करके ऐसे नाच रहे हैं जिनको लगता ही नहीं कि यहां कुछ हुआ है यह मुर्दा देश है मुल्क मुर्दा देश है हिंदुस्तान ना किसी की मौत हुई है ना कोई मारा गया है ना किसी को ऑक्सीजन मिली है जिनको ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन की कमी है सब कुछ अच्छा चल रहा है योगी जी बोलते हैं योगी जी बोलते हैं कि साहब सब कुछ ठीक ठाक है सब चंगा सी प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं सब चंगा सी सब ठीक ठाक है और मोदी मीडिया गोदी मीडिया भी ये बताने में व्यस्त हो जाता है सब चंगा सी सब सही है एग्जिट पोल के नतीजे डाले जाने लगते हैं जैसे हिंदुस्तान की मजाक उड़ाई जा रही हो जैसे हिंदुस्तान की जनता के मुंह पर थूका जा रहा हो उन लोगों के मुंह पर थूका जा रहा हो जो करोना से पीड़ित हुए मुंह पर थूका जा रहा हो उन लोगों के जिन्होंने अपने खो दिए मुंह पर थूका जा रहा है उन लोगों के जिनका कोई अपना ना रहा मुंह पर थूका जा रहा है उन लोगों के जिन्होंने एक एक रेमडिसिविर इंजेक्शन 24 24 पच्चीस पच्चीस हजार रुपए में लिया ये कौन सी व्यवस्था है प्रधानमंत्री मोदी जी न्यू इंडिया की कौन सी व्यवस्था है एक तरफ अरविंद केजरीवाल रोना रोता है दूसरी तरफ आप रोते हैं और तीसरी तरफ नौजवान इंतजार करते रहते हैं कि कब लगेगी वैक्सीन एक तारीख से वैक्सीनेशन लगना है बहुत से राज्यों में वैक्सीन नहीं पहुंची लेकिन इस नंग नाच के बीच एक ऐसी आशा की किरण आती है जो गोदी मीडिया के मुंह पर करारा झापड़ मारती है जिसका नाम होता है कांग्रेस के एक प्रवक्ता का जिसका नाम होता है पवन खेड़ा पवन खेड़ा को एक बहस में बाकायदा बिठाया जाता है बाकायदा इज्जत के साथ उनकी मतलब वेलकम किया जाता है सुमित अवस्थी की बहस में एवीपी न्यूज पर एवीपी न्यूज की बेशर्मी तो देखिए आप कि वो आसाम की रिपोर्ट करते हैं बंगाल की रिपोर्ट करते हैं वहां के सारे आंकड़े बताते हैं यहां ये हो जाएगा यहां वो हो जाएगा असम में जो है तिरपन बराबर का मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस का इस तरह की बातें की जाती हैं उस समय जब देश के कई परिवार अपनों के खो जाने पर बिलाप कर रहे हो चित्कार कर रहे हो इन बेशर्मों को जरा भी शर्म नहीं आती इनको अपने कृत्य पे जरा भी रोना नहीं आता और ये शर्म करहमी क्यों क्योंकि तो कोई शायद इनका अपना मरा होता तो शायद इनको दुख दर्द होता कानपुर में पत्रकार ने अपनी जान खो दी कहते कहते बाबा मेरी मदद करो बाबा मेरी मदद करो लेकिन पवन खेड़ा की मैं बात कर रहा था पवन खेड़ा ने आज इस बहस में एक ऐसा माकूल जवाब दिया जिसने पूरे गोदी मीडिया को हिला दिया पूरे सिस्टम को हिला दिया वो माकूल जवाब और वो आवाज मैं सुनवाना चाहूंगा उन चिताओं की लकड़ियों के जलते की जलने के बीच में जहां अपने हिंदुस्तानी खो गए हिंदुस्तान के वो लोग खो गए जो कभी अपने थे हमारे बहुत से दोस्त भी सोशल मीडिया पर गुजर गए टाटा बाय बाय करके उनको अश्रुपरी श्रद्धांजलि और आज पवन खेड़ा रो पड़े पवन खेड़ा रो पड़े जब सुमित अवस्थी ने सवाल किया एग्जिट पोल में अपने और रो पड़े और लताड़ लगाई सुमित अवस्थी को और सारे बैठे हुए उन प्रवक्ताओं को जो उस डिबेट में बैठे हुए थे खेड़ा आपके चेहरे की मुस्क, मुस्कुराहट कहाँ गायब है आज 14 से 25 मुझे लगता लग नहीं है सुमित भाई मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जीत रहे हो या हार रहे हो मुस्कुराना अफोर्ड कर सकता आज की स्थिति तो स्थिति देश की है मेरा मन तो नहीं है कि मैं इस डिबेट में कोई ज्यादा इस पे कोई टिप्पणी करूं आज देश हार रहा हो कोरोना से और हम एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस पे चर्चा कर रहे हो मुझे नहीं लगता देश हमें माफ करेगा कम से कम मैं यह पाप नहीं करूं आपकी आपकी संवेदनाओं का हम सम्मान करते हैं ठीक है आपकी मर्जी है अगर आप डिबेट से निकलना चाहते हैं कांग्रेसी चेहरा दूसरा चेहरा श्रीनिवास का है जो गली गली फिर रहा है तीसरा चेहरा राहुल गांधी का है जो कोरोना से पीड़ित होने के बाद भी अपनी एक टीम बना करके आई की घर घर मेहनत घर घर सहायता पहुंचा रहे हैं श्रीनिवास का चेहरा सामने है राहुल गांधी का नहीं है लेकिन टीम तैयार की है राहुल गांधी ने शायद यह भी आकलन कर लेता मीडिया यह भी दिखा देता अगर यह दिखा दिया होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पौ फट गई होती सब प्रचार तंत्र नकली हो गया होता लेकिन हर जगह भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है साफ यहां कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जिस तरह से पवन खेड़ा ने बोला जिस तरह से पवन खेड़ा ने बोला उस तरह से लग रहा है कि पूरे देश में विरोध चल निकला है इसीलिए मोदी घबराए हुए हैं और क्या स्टेप लेंगे क्या स्टेप नहीं लेंगे ये थोड़ी सोचने वाली बात होगी लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया घबराया हुआ है और जान बूझ करके अपने पोल जो एग्जिट पोल डाल रहा है वो ऐसे डाल रहा है कि कम से कम बीजेपी की, बीजेपी को बराबरी दिखा सके 75 परसेंट मतदान हुआ है बंगाल में वहां एवीएम जहां पर 150 सौ वोट थे वहां दो वोट डाले गए तो भैया प्रतिशत तो बढ़ेगा ही इसकी धांधली की जांच कौन करेगा और सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है कि साहब एक ही मरा तो फांसी की सजा दे देंगे ये दे देंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया आठवा आठवा जो था चुनाव आयोग का दौर शुरू हुआ और उसमें भी मतदान हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक को फांसी पर चढ़ाया सब कहने की बातें हैं और कहने की बातें हैं जनता को बेवकूफ बनाने की बातें हैं सब बिका हुआ है सब कुछ बिक चुका है उन लोगों के हाथ जो एक सीट खरीदने के लिए टीटी -टी को दो सौ एक्स्ट्रा दे देते हैं असली आदमी की सीट पाने के लिए जो विधायकों और सांसदों को खरीद लेते हैं सत्ता पाने के लिए जो सब कुछ सौदा करने को तैयार है सत्ता के लिए क्योंकि सत्ता उनको चाहिए और जब सत्ता मिल जाती है तो कानून भी बदले जा सकते हैं पवन खेड़ा के आंसू कहां तक चलेंगे कौन मानेगा कौन समझेगा इनको शायद इतना हाई मॉरल ग्राउंड को समझने वाले लोग भी हमारे बीच नहीं रहे क्योंकि इस एडियट बॉक्स ने सबको ईडियट बना दिया है क्योंकि अब चराहों पर मिलने वाले किस्सा गोसोई हुई और आपस के विचार भी खत्म हो गए कहीं हम मीडिया के गुलाम तो नहीं बन गए जरा एक बार सोचिएगा दोस्तों कहीं हम मीडिया के गुलाम तो नहीं बन गए इस पर विचार कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं वर्ड विचार कीजिएगा इस पर जलती हुई चेताओं को मत भूलना रोती हुई उन बेटियों को मत भूलना जिन्होंने अपने पिता को शमशान में जाकर के दफनाया उनको मत भूलना जिनके परिवार के परिवार खत्म हो गए उनको मत भूलना जिनके लाशें जो पड़ी रहीं किसी मुंतजर ने किसी इश्ताक ने किसी शाहिद ने उनका दाह संस्कार किया मत भूलना दोस्तों तारीख याद रखेगी आप याद रखो ना रखो लेकिन इतिहास याद रखेगा ऐसे प्रधानमंत्री को जिसने अपनी सत्ता के लिए अपनी बाही-वाही के लिए तुगलक की तरह कुतुब मीनार का निर्माण कराया था अब यहाँ सेंट्रल विस्टा बन रहा है नमस्कार जय हिंदोस्त